वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी पे, जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आईओटी की हम बात करें तो क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आईओटी? कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स होता है लक्षण, यानी आईओटी में क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है आईओटी के अंदर, आज हम डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके हम सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कनेक्टिविटी की। तो कनेक्टिविटी क्या होती है? कनेक्टिविटी जो है आपकी आईओटी की बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि आपके जो डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, जितने भी डिवाइसेस आपके आईओटी सिस्टम के अंदर हैं, ठीक है, तो पूरे के पूरे आईओटी सिस्टम में जितनी भी चीज़ों की हम बात करते हैं, जैसे आईओटी डिवाइसेस हो गई, उसमें लगे सेंसर्स और भी चीज़ें, यानी जितनी भी चीज़ें हम आईओटी सिस्टम में यूज़ करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपस में क्या हो सकती हैं, इंटरकनेक्टेड हो सकती हैं। चाहे वो साथ साथ वो क्या करेंगे, ग्लोबल इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर से भी इंटरकनेक्टेड हो सकती हैं। तो यानी जो आपकी आईओटी डिवाइसेस हैं, हार्डवेयर उसमें लगे हुए हैं, सेंसर्स लगे हुए हैं, ठीक है, अदर इलेक्ट्रॉनिक्स और कनेक्टेड हार्डवेयर्स हैं, वो सारे आपस में क्या होते हैं, उनमें कनेक्टिविटी होना ज़रूरी है आईओटी सिस्टम की हम बात करें तो। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में सारी चीज़ें आपस में क्या होती हैं, उनमें कनेक्टिविटी होती है, क्योंकि कम्युनिकेशन करने के लिए आपस में उनको कनेक्टेड होना कंपलसरी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थिंग्स की। तो थिंग्स आपकी क्या होती हैं? अगर हम थिंग्स की बात करें तो कोई भी चीज़ कनेक्टेड हो सके एक दूसरे से इंटरनेट के थ्रू, उन्हें हम क्या कहते हैं, आईओटी डिवाइसेस कहते हैं। तो आईओटी डिवाइसेस में सेंसर या सेंसिंग मटेरियल अटैच होता है, ठीक है। तो थिंग्स मतलब क्या हुआ, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हम क्या कर सके, कनेक्टेड कर सके, और जिसको डिज़ाइन किया हो गया हो कनेक्ट करने के लिए, यानी उसमें सेंसर्स लगे हों, फिर आपके जितने भी इंटरनेट से कनेक्टेड होने के लिए सारी आपकी एलिमेंट्स लगे हों, तो वो आपका ऐसी डिवाइस आपकी क्या होती है, थिंग्स कहलाती हैं आईओटी के टर्म में, ठीक है। तो इसमें डिवाइसेस में आपके सेंसर्स लगे होते हैं या फिर सेंसिंग मटेरियल्स उनमें अटैच होते हैं। इतनी बात हो गई। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है आपका डेटा, यानी डेटा की अगर हम बात करें तो आईओटी सिस्टम में, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आईओटी डिवाइस जब आपस में कम्युनिकेट करती हैं तो डेटा का ट्रांसमिशन करती हैं, ठीक है। तो डेटा क्या होता है, एक तरह से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, क्योंकि ये हर एक आईओटी सिस्टम में जो भी एक्शंस परफॉर्म होते हैं, ठीक है, जो भी इंटेलिजेंस परफॉर्म करता है आईओटी, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है डेटा, क्योंकि डेटा को ही क्या वो करता है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे आपकी इंफॉर्मेशन या डेटा सेंड करता है, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि जो डिवाइस है उसकी करंट स्टेट क्या है, और हमें उससे रिलेटेड नेसेसरी इंफॉर्मेशन हमें मिल पाती है। तो डेटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है, डेटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है आईओटी का। नेक्स्ट बात करते हैं कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसा हम जानते हैं डिवाइसेस क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं आपस में, तो वो डेटा का कम्युनिकेशन कर सकती हैं, ठीक है। डिवाइसेस अगर कनेक्टेड होंगी तो क्या करेंगी, डेटा का कम्युनिकेशन करेंगी, तो वो डेटा का कम्युनिकेशन करेंगी और डेटा को एनालाइज कर सकती हैं। कम्युनिकेशन जो है वो शॉर्टेड डिस्टेंस में भी हो सकता है और लॉन्ग रेंज में भी हो सकता है, तो कम्युनिकेशन की कोई वहाँ लिमिट नहीं होती है। डिवाइसेस कहीं भी हो सकती हैं, शॉर्टर डिस्टेंस पे भी हो सकती हैं तो भी वो कम्युनिकेट करेंगी, लॉन्ग डिस्टेंस पे या लॉन्ग रेंज में हैं तो भी वो क्या होंगी, अपने आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल, कम्युनिकेशन का मीडियम हो सकता है वाईफाई, LPWA, ठीक है। तो ये सारे मीडियम्स हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू डिवाइसेस जो हैं वो आपस में कनेक्ट होके कम्युनिकेशन
परफॉर्म कर सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटेलिजेंस की। तो इंटेलिजेंस क्या होता है? इंटेलिजेंस शो होती है आईओटी डिवाइसेस के सेंसिंग कैपेबिलिटी से। ठीक है, सेंसिंग कैपेबिलिटी जो होती है आईओटी डिवाइस के अंदर, उसके थ्रू क्या होता है कि इंटेलिजेंस शो होता है आईओटी का, क्योंकि आपकी जितने जो बिग डेटा एनालिटिक्स हैं उसके थ्रू आईओटी इंटेलिजेंस गैदर करता है। ठीक है, यानी यहाँ पे जितना भी आपका डेटा को हम क्या करते हैं, गैदर करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी आपकी नेसेसरी इंफॉर्मेशंस हैं, जो भी हमारी कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो हम क्या कर सकते हैं, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे हम पहुंचा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई फार्मर है, उसको अपने फील्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए कि बारिश कब होनी है कब नहीं होनी है, ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन उसके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाता है। तो ये कैसे होता है, वहाँ पे जो आपकी मशीन लगी हुई है उसमें आपका क्या सेंसर लगा हुआ है, वो आपका वहाँ एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से वो सेंस कर सकता है कि, और सेंस करने के बाद वो क्या करेगा, इंटेलिजेंस अपने जो आपका पूरा प्रोसेस करेगा। ठीक है, आईओटी सिस्टम है तो आईओटी डिवाइस के अंदर जितना भी आपका प्रोसेस होगा वो करेगा, उसके बाद से वो बता देगा, नोटिफाई कर देगा पर्सन को कि क्रॉप उनका क्रॉप पे कब बारिश होने वाली है, कब क्या होने वाला है, ये सारा कुछ, मतलब सारा कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे देगा इंटेलिजेंस के थ्रू। तो इंटेलिजेंस भी एक आईओटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। फिर हम बात करेंगे हेट्रोजेनिटी की। तो हेट्रोजेनिटी क्या होती है, जो भी डिवाइसेज आईओटी सिस्टम में हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वो सारी हेट्रोजेनस टाइप की होती हैं, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पे और नेटवर्क्स पे बेस्ड होती हैं। क्योंकि जो डिवाइसेस होती है वो एक जैसी हम यूज़ नहीं करते हैं आईओटी सिस्टम में। मान लीजिए कोई फ़ोन होता है, कोई होम अप्लायंसेस होते हैं, तो अलग अलग डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं जिनको हम, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वर्क करती हैं, अलग अलग नेटवर्क में वर्क करती हैं, तो इन सारे को आपस में हम कम्युनिकेट कराते हैं ताकि हम क्या कर सकें, नेसेसरी इंफॉर्मेशन को आप डिवाइसेस में एक्सचेंज कर सकें और हमें नेसेसरी इंफॉर्मेशन मिल सके। इसके लिए हम क्या करते हैं, उन डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। तो वो जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो हेट्रोजेनस टाइप होती हैं। हेट्रोजेनस यानी डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे वर्क करने वाली होती हैं। ठीक है, तो वो डिवाइसेस आपस में इंटरेक्ट करती हैं और डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क के थ्रू। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायनेमिक चेंजेस की। तो डायनेमिक चेंजेस क्या, कि जैसे आपका जो डिवाइस है उसकी स्टेट जो है, ठीक है, स्टेट आपकी डायनेमिकली चेंज होती रहती है। जैसे कि अगर कोई डिवाइस करेंट टाइम पे आपकी स्लीपिंग मोड में है तो नेक्स्ट ही टाइम पे वेक मोड में भी हो सकती है। अगर कनेक्टेड है डिवाइस तो अगले ही स्टेट में क्या हो सकती है, डिसकनेक्टेड भी हो सकती है। अगर डिवाइस के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो उसकी डिवाइस की लोकेशन दूसरे ही टाइम में हम चेंज हो सकती है, मतलब डायनेमिकली लोकेशंस चेंज हो सकती हैं। अगर स्लीपिंग मोड में डिवाइस है तो वेकिंग मोड में आप कर सकते हो उसको, तो उसकी स्टेट्स जो है डिवाइसेस की, कहने का मतलब है, तो वो हमारी डायनेमिकली चेंज होती रहती है। ठीक है, और नंबर ऑफ डिवाइसेस, यानी अगर इस टाइम पे हमारी पांच आईओटी डिवाइस कनेक्ट हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, तो अगले ही स्टेट की हम बात करें तो अगले ही टाइम हम चेक करेंगे तो फोर भी हो सकती है, थ्री भी हो सकती है, नंबर ऑफ डिवाइसेस बढ़ भी सकती हैं। तो नंबर ऑफ डिवाइसेस डायनेमिकली वो भी आपकी क्या होती है, चेंज होती रहती हैं। ठीक है, सेफ्टी की अगर हम बात करें तो जैसा कि आईओटी सिस्टम में हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इसके साथ साथ हमें सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए। तो सेफ्टी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है आईओटी का। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हम आईओटी को डिज़ाइन करते हैं, चाहे वो क्रिएटर हो या रिसिपिएंट हो। ठीक है, तो सेफ्टी जो है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, पर्सनल डेटा को सेफ कर सकते हैं। ठीक है, हमारा पर्सनल डेटा सेफ रहेगा, एज वेल एज जो आपका पूरा का पूरा नेटवर्क है जिसमें हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो भी अपना हमारा क्या होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। जो भी डेटा हम पूरे के पूरे नेटवर्क में मूव करा रहे हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे, वो भी हमारा क्या होना चाहिए,
सिक्योर होना चाहिए, यानी ओवरऑल सिक्योरिटी बहुत ही मेजर रोल परफॉर्म करती है आईओटी सिस्टम में। तो आईओटी में सेफ्टी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली आज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, तो जो भी टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं वो सब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।